हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि एनसीईआरटी बेस होगा, सीयूईटी बीएड एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि आपका टेस्ट पेपर का कोड होगा CO QP 03। पिछले वीडियो में हम सीयूईटी बीएड 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स का, सारे हम डिस्कस किए हैं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हो, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो आज का वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी आपका मैथमेटिक्स का होगा एंड एनसीईआरटी बेस है सारे। ओके, सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन ए रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपका दो क्वेश्चंस रहेगा। ओके, तो एक टाइल जो कि होगा उसका लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर आपका दिया गया है, और यहाँ पर रेक्टेंगुलर रीजन का जो कि है लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर आपका कितना टाइल्स जो कि है यूज होगा, यहाँ पर हम निकालेंगे। ओके, तो पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टाइल्स का जो कि है एरिया निकालना है, और यहाँ पर रेक्टेंगुलर साइज जो कि यहाँ पर आपका रीजन होगा, इसका एरिया हम निकालेंगे। और नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द टाइल यहाँ पर हम करेंगे, तो नंबर ऑफ टाइल जो कि है यूज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो टाइल्स का जो कि यहाँ पर आपका एरिया जो कि आ जाएगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर रीजन है तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 5 जो कि यहाँ पर आपका 60 होगा एरिया ऑफ द टाइल्स, एक एक टाइल्स का जो कि एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ए का यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया ऑफ द रीजन जो कि हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 144 लेंथ एंड ब्रेथ है, तो यहाँ पर आपका 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ द टाइल जो कि होगा 5 मल्टीप्लाई 12 जो कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नंबर ऑफ टाइल्स के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वन टाइल होगा, वन टाइल का यहाँ पर हम एरिया निकाल लिया है, तो यहाँ पर आपका 14,400 डिवाइडेड बाय 60 यहाँ पर हम करेंगे तो 240 टाइल्स जो कि यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी जो कि होगा, एरिया ऑफ द रीजन कितना आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 70 मल्टीप्लाई 36 यहाँ पर आपका है मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका एरिया ऑफ द वन टाइल जो कि है 60 है डिवाइडेड बाय 60 यहाँ पर हम करेंगे, तो 0 0 ये कट जाएगा, 6 6 36 होगा। तो टोटल नंबर यहाँ पर आपका टाइल जो कि हो जाएगा 42, यहाँ पर आपका बी का जो कि होगा 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो यहाँ पर जो कि एक फ्लोर होगा, इसका जो कि लेंथ यहाँ पर होगा 5 मीटर एंड विड्थ जो कि होगा यहाँ पर आपका 4 मीटर इसका जो कि वाइड होगा, तो एक टाइप का एक रेक्टेंगल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो एक टाइप का रेक्टेंगल यहाँ पर आपका होगा, लेंथ यहाँ पर आपका 5 मीटर है एंड ब्रेथ जो कि यहाँ पर आपका 4 मीटर है, तो एक कारपेट जो कि यहाँ पर आपका स्क्वायर साइज का है, तो इसका जो कि साइड है 3 मीटर। ठीक है, एक स्क्वायर साइज का जो कि कारपेट होगा, इसका जो कि साइड 3 मीटर है, तो यहाँ पर आपका पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो यहाँ पर इस कारपेट को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना एरिया जो कि नॉट कारपेटेड होगा यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप का। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों का जो कि है एरिया निकालेंगे, तो रेक्टेंगुलर का यहाँ पर हम निकालेंगे तो 5 × 4 होगा जो कि 20 मीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पर आपका स्क्वायर का जो कि एरिया हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पर आपका साइड जो कि 3 मीटर है तो 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो नॉट कारपेटेड के लिए यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर से आपको स्क्वायर का माइनस करना होगा, तो 20 - 9 तो यहाँ पर आपका 11 मीटर स्क्वायर जो कि यहाँ पर आपका नॉट कारपेटेड यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट होगा, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर डक ऑन ए पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ओके, तो यहाँ पर जो कि एक लैंड होगा, पीस ऑफ लैंड जो कि है
ये भी एक रेक्टेंगुलर साइज का है, जैसे कि यहाँ पर आपका लेंथ है 5 मीटर एंड इसका ब्रेज जो कि है 4 मीटर है। और यहाँ पर जो कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड जो कि होगा, जो कि स्क्वायर साइज का है, तो एक एक का जो कि यहाँ पर आपका साइड है 1 मीटर, तो ऐसे जो कि है 5 यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो कितने जो कि है पार जो कि है यहाँ पर लैंड जो कि है रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले दोनों का जो कि है एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर यहाँ पर जो कि आपका पीस ऑफ लैंड होगा 5 × 4 होगा ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर 20 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा रेक्टेंगुलर शेप का। तो यहाँ पर हम स्क्वायर वाला निकालेंगे तो इसका जो कि साइड होगा 1 मीटर, तो इसका एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसा जो कि है 5 स्क्वायर है, तो टोटल यहाँ पर आपका 1 × 5 करेंगे तो 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लैंड जो कि यहाँ पर रिमेनिंग पर रह जाएगा, तो 20 − 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका 50 मीटर स्क्वायर का जो कि है लैंड यहाँ पर आपका रह जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, एरिया ऑफ द लैंड 20 जो कि है −5, तो 15 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होगा इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर सीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ द सीट। ओके, तो यहाँ पर जो कि एक सर्कुलर सीट का जो कि है सर्कमफेरेंस दिया गया है। तो सर्किल का यहाँ पर हम देखें तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। ओके, तो इसमें जो कि आपका सर्कमफेरेंस दिया गया तो 2πr इक्वल टू 154 हो जाएगा। यहाँ पर आपका रेडियस पूछा गया है, मीन्स यहाँ पर आपका r हमें निकालना है एंड फाइंड द एरिया, तो रेडियस आएगा तो हम एरिया भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका रेडियस निकालते हैं। तो यहाँ पर हम रेडियस इक्वल टू लिखेंगे 154 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका 2π जो कि है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करना है जो कि यहाँ पर आपका होगा 22/7। तो 154 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई जो कि 22 ऊपर जो कि आपका 7 चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कट कर सकते हो, जैसे कि 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, अभी आप 11 से इसको काट सकते हो, 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 × 7 जो कि 49 डिवाइडेड बाय 2 होगा, जो कि r का वैल्यू होगा 49 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24.5 होगा जब इसको लिखेंगे ऐसे। तो ये आपका r का वैल्यू आ गया। उसके बाद जो कि आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द सर्किल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर का जो कि स्क्वायर होगा 24.5 का इसका स्क्वायर होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो कि आप देख सकते हो कि ये आपका आंसर होगा जो कि 1886.5 मीटर स्क्वायर जो कि इसका एरिया आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आर का वैल्यू जो कि है 49/2 जो कि 24.5 है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपका होगा फ्रॉम ए सर्क्यूलर सीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो एक सर्क्यूलर सीट जो कि है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, एक सर्क्यूलर सीट होगा इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट क्या हुआ है, ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, तो इस सर्कुलर सीट से जो कि है एक सर्किल जो किया यहाँ पर रिमूव किया जो कि उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट जो कि यहाँ पर आपका पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कि सर्कुलर सीट होगा इसका एरिया हम निकालेंगे, एरिया जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, इसको हम कैपिटल आर लेते हैं। ओके, और ये आपका सर्किल का जो कि है एरिया से हम माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा, ऐसे हम लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर होगा इसका भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि r का वैल्यू यहाँ पर आपको 4 पुट करना है कैपिटल r में, एंड इसमें जो कि आपका स्मॉल r में जो कि आपको 3 पुट करना है, तो इसको हम करते हैं जो कि पाए r स्क्वायर मीन्स 4 यहाँ पर आपका होगा 4 का स्क्वायर माइनस पाए r स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपका आ जाएगा
पाई का वैल्यू यहाँ पर आपका 3.14 आपको पुट करना है। तो यहाँ पर हम पहले पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो 16 माइनस यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 7 होगा, तो 7 पाई। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 7। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो कि इसका आंसर होगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है रिमेनिंग सीट हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। आया समझ दोस्तों आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट होगा, ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम सीट ऑफ 6 सेंटीमीटर साइड, यू के 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर द एल्यूमिनियम सीट। तो यहाँ पर जो कि आपका हुआ है दोस्तों, एक स्क्वायर साइज का जो कि है एल्यूमिनियम सीट है। ओके, इसमें से क्या क्या गया है, जो कि एक सर्किल जो कि है इसमें, इसके अंदर जो कि यहाँ पर आपका एक सर्किल का साइज का यहाँ पर कट किया गया है, जो कि इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कट कर लेंगे एक एल्यूमिनियम का सीट से, जो कि स्क्वायर पीस का, इसको जो इसमें जो कि 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल जो कि है कट किया गया है। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि लेफ्ट ओवर जो भी यहाँ पर आपका रह गया है, ये आपका इसका जो कि आपका एरिया पूछा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कि एल्यूमिनियम सीट का जो कि है एक स्क्वायर सीट है, जो कि इसका साइड है 6 सेंटीमीटर, तो पहले उसका एरिया निकालेंगे, एंड ये वाला सर्किल वाला जो कि यहाँ पर आपका पार्ट जो भी हम कट किए हैं उसका एरिया निकालेंगे और माइनस करेंगे, तो जो भी यहाँ पर आपका रिमेनिंग पार्ट रह गया है एल्यूमिनियम सीट का, ये आपका आ जाएगा एरिया। तो यहाँ पर हम पहले एल्यूमिनियम सीट का निकालते हैं, जो कि एक स्क्वायर है, तो इसका जो कि एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर जो कि यहाँ पर आपका 36, इससे हम माइनस करेंगे, जो भी यहाँ पर आपका सर्किल का स्क्वायर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई में यहाँ पर आप पुट कर सकते हो 3.14। ओके, मल्टीप्लाई जो कि यहाँ पर आपका होगा आर स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर आपका रेडियस 2 है, तो मल्टीप्लाई 4 होगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका रहेगा 3.14 मल्टीप्लाई 4 होगा ना, आर स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 4 4 16 1 4 1 4 1 5 एंड 4 3 12, तो 12.56 आ जाएगा। तो 36 यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, 36 माइनस 12.56। ओके, तो यहाँ पर आपका रिमेनिंग जो भी यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम सीट रह गया, इसका जो कि एरिया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 23.44 यहाँ पर आपका आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आया समझ दोस्तों? नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्क्यूलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो एक सर्क्यूलर क्लॉक होगा, जिसका जो कि मिनट हैंड का लेंथ यहाँ पर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक सर्किल का जो कि मिनट हैंड यहाँ पर आपका होगा, ये रेडियस हो जाएगा। ओके, जो कि इसका लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर, एंड पूछा गया है दोस्तों हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो 1 आवर में इस मिनट हैंड का टिप जो कि है कितना जो कि है कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों, मिनट हैंड जो कि है 1 आवर में 1 सर्किल कवर करता है। ओके, तो इसका जो कि आपका बेसिकली सर्कम्फेरेंस आपको पूछा गया है। ठीक है, तो सर्कम्फेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सर्किल का 2πr होगा। तो यहाँ पर आपका पाई का वैल्यू जो कि है 3.14 आपको पुट करना है, तो 2 × 3.14 × 15 यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कि आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 × 3.14 × 15 जो कि आंसर होगा 94.2 सेंटीमीटर। ओके, द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर। आया समझ? नेक्स्ट, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपका एडिटिव इन्वर्स जो कि पूछा गया है। ओके, तो एडिटिव इन्वर्स के बारे में यहाँ पर हम पहले जान लेते हैं, जैसे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए रेशनल नंबर जो कि होगा 1 by a by b जो कि एक रेशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो कि होगा -a/b। जैसे कि यहाँ पर हम दोनों का ऐड करेंगे नंबर एंड उसका एडिटिव इन्वर्स को, तो इसका आंसर आ जाएगा 0।
ठीक है, तो a बाय बी प्लस माइनस ए बाय बी, तो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या क्या होगा अभी। तो 2/8 का यहाँ पर आपका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस 2/8, दोनों को हम ऐड करने से जीरो आएगा। उसके हिसाब से सेकंड का आप देखो, माइनस 5/9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/9 होगा। ठीक, थर्ड का क्या होगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 5 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कर जाएगा माइनस माइनस, तो ये बेसिकली 6/5 है, तो 6/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस 6/5 हो जाएगा, दोनों को ऐड करने से जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप का 2/-9 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 2/9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा 19/-6 है, तो इसका जो कि आंसर आ जाएगा 19/6। ओके, समझ में आया दोस्तों आपको, जो कि एडिटिव इन्वर्स कैसे आप निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए रेशनल नंबर ए इज 1/a सच दैट ए मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू 1। तो ए यहाँ पर आपका कट जाएगा, तो 1 होगा। तो इसमें हम देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन सभी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला नंबर है -13, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका जो कि आंसर हो जाएगा -1/13 होगा। क्योंकि देखो माइनस यहाँ पर हम क्यों लेंगे, क्योंकि देखो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर एंड उसका इन्वर्स नंबर, तो इसका जो कि आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर आप 1/13 लेंगे तो क्या होगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको -1/13 लेना है, जैसे कि यहाँ पर आपका 13 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा +1। ठीक है, तो ऐसे आप देखो कि -13/19 का क्या होगा आंसर, यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे -19/13, तभी इसका आंसर जो कि 1 बनेगा। तो आंसर में क्या आएगा कि -19/13 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो, बाकी सब आप ट्राई करो। 1/5 का क्या होगा दोस्तों, 1/5 का हो जाएगा 5। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ऐसे आप चेक करो। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका आईवी नंबर जो कि होगा -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 15/56 होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 56/15 इसका हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा सारे, तो आंसर हो जाएगा 1। तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 56/15। ओके, नेक्स्ट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि -1/-2/5, तो आंसर इसका आ जाएगा 2/5। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखो, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/(1/-1) ऐसे आप कर सकते हो। तो इसका जो कि आंसर रहेगा 1। तो यहाँ पर आपका -1 का क्या होगा, 1/-1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारे आंसर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों नेक्स्ट होगा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी जो है यूज हुआ है हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रहेगा, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन का जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई जो कि है 1 का हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो कि यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो कि होगा मल्टीप्लिकेशन का। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेकंड का क्या होगा देखो, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, जो कि गुणन का क्रम विनिमय प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर आपका यूज होगा।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये आपका सेकेंड वाला होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो थर्ड में माइनस 19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देखें तो अभी जो कि इसको देखे थे जो कि मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स जो कि होता है दोनों को मल्टीप्लाई करने में 1 आता है, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सारे आंसर देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो कि है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ओके, एंड 2 का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड 3 का जो कि होगा मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो टेल द प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कम्प्लीट। तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रॉपर्टी होगा जो कि मल्टीप्लीकेशन का है, 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में यहाँ पर आपका है 6 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6 ये ब्रैकेट में रहेगा एंड मल्टीप्लाई 4/3। तो यहाँ पर हम देखें तो जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर आपका यूज है, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी यहाँ पर ब्रैकेट में है इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी। तो यह आपका होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि होगा मल्टीप्लीकेशन का, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या 8/9 है क्या, ओके। तो यहाँ पर हम देखें तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होता है, किसी नंबर का जो कि यहाँ पर आपका इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव 1 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नंबर जो कि है नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो इसको जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, -9/8 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर लेते हैं 8/9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो कि आंसर आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पर आपका पॉजिटिव 1 जो कि है आना चाहिए, तो ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है 8/9, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर जो कि रहेगा देयरफॉर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर, ठीक। नेक्स्ट होगा इट्स 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। 0.3 क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 3/1/3 का, तो 3/1/3 को हम लिख सकते हैं 3 3 9 10/3 और 0.3 को हम लिख सकेंगे 3/10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करने में 1 आएगा, तो 0.3 जो कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 3/1/3 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर भी यहाँ पर आपका राइट होगा, यस होगा, 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3, राइट। नेक्स्ट